आईपीएल का 30वां मैच हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत करी। इन दोनों ने टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलवाई और 100 रन की साझेदारी कर दी। अभिषेक शर्मा ने 22 बॉल में 34 रन बनाए। इसके साथ ही ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों में 8 छक्के और 9 चौके की मदद से 101 रन की कमाल की पारी खेली। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद में हेनरी क्लासेन मैदान पे आए। हेनरी क्लासेन ने भी 31 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली और बाकी आगे बचा हुआ काम एडम मार्करम और अब्दुल ने कर दिया। और इन सब के चलते हैदराबाद ने आईपीएल का एक बार फिर से सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 227 रन बना दिए। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 228 रन के बड़े स्कोर की अपेक्षा करने के लिए हैदराबाद की ओर से विराट कोहली और डुप्लेसिस पारी की शुरुआत करने हैं। इन दोनों ने भी पारी की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी। विराट कोहली ने 20 बॉलों में 42 रन की पारी खेली। इसके साथ ही फाफ डुप्लेसिस ने भी 28 बॉलों में 62 रन बनाए। लेकिन ये दोनों आउट होने के बाद में आरसीबी की टीम रह गई। लेकिन आरसीबी की टीम को एक बार फिर से दिनेश कार्तिक ने संभाला और दिनेश कार्तिक ने इस मैच में 35 बॉलों में 83 रन की कमाल की पारी खेली जिसमें 7 छक्के शामिल थे। आरसीबी की टीम की ओर से दिनेश कार्तिक ने लड़ाई लड़ी लेकिन दिनेश कार्तिक टीम को 262 रनों तक पहुंचा सके और आरसीबी की टीम यह मैच 25 रन से हार गई। लेकिन दिनेश कार्तिक के चलते आरसीबी की टीम को एक सम्मानजनक हार का सामना करना पड़ा और ट्रेविस हेड के शानदार शतक की वजह से ट्रेविस हेड को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें।